भारी है, तो मैं इसको सेटअप कैसे करता है इसको दिखाऊंगा। और ये है सेल्फ रैक, मतलब ये पांच टू स्टेप वाला ये रहेगा जो कैसे इसको सेटअप करना है उसको आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं वीडियो को। तो ये है ये पार्सल जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। ऑलरेडी मैंने ये साइड से काट दिया, तो काटने के बाद ये जो सामान रहता है सब लोहे का है। ये बड़ा जेड बीम है और ये छोटा जेड बीम है। और ये हो गया कनेक्टर है, कनेक्टर जैसे कि चार पीस है यहाँ पे। और ये हो गया रबर, मतलब ये नीचे का हिस्सा में ये रबर लगाना पड़ता है, तो ये वाला। और ये हो गया, ये सामान हो गया आपका, ये लेंथ जो बढ़ता है, मतलब ये रेक का जो लेंथ हाइट जो बढ़ता है, तो उसका ये वाला है। तो इसके अंदर में कौन सा सामान कितना करके है, कितना पीस है बताऊँ कर लेते हो। जैसे कि ये वाला है बीम, बड़ा बीम, दस बीम है। तो इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, यस। अभी इसको काउंट कर लेता हूँ, ये आठ पीस है। जो छोटा बीम है उसको देख लेते हैं, ये दस पीस है। तो निकाल लेता हूँ, साइड में रख देता हूँ सब अलग अलग करके। ये कनेक्टर है चार, चार पीस को मैं साइड कर देता हूँ। और ये रबर काफ़ी सारा दिया हुआ है, प्लाई बोर्ड है, करीब हाफ इंच है, थोड़ा कम होगा। तो सबको मैंने साइड में करके रखा है, क्योंकि ये एक एक साइड में नहीं करने से बाद में ये सेटिंग करने में दिक्कत होता है, तो साइड में सब कट दिया। अब तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सेट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको लेना है, इसको लेके इसका जो निचले वाला हिस्सा है उसमें इसको डालना है। ये डाल के आप इसको साइड में रख दीजिए। ये चार हो चुका है, अगला चार बचा है, तो ये ऊपर का हिस्सा में चला जाएगा, इसको अभी जरूरत नहीं है। तो ये साइड जेड बीम है, मतलब ये साइड वाला हिस्सा है। और ये हो गया बड़ा जेड बीम, तो ये मतलब ये लेंथ वाला, मतलब कितना लंबाई का है ये वाला है। और ये हो गया हाइट का। तो सबसे पहले कैसे डालना है, इसका कोई नाइट बोल्ट सिस्टम तो है नहीं, इसको डालना है ये इस तरह का, ये जो घाट दिखाई दे रहा है इसके अंदर में, ये काउंट करके इसमें डालना है। ये वाला जो हिस्सा है ये इन साइड में होगा, मतलब अंदर में जाएगा। तो ये मैं करने जा रहा हूँ, पहले ये कुछ इस तरह से इसे डाल दिया। उसके बाद क्या करना है, ये अभी काम में आएगा आपको, कुछ इस तरह से स्लाइड स्लाइड, सेम घाट में लगाना है। जैसे कि एक दो तीन चार, नीचे वाला चार हिस्सा में, तो इसी का भी सेम घाट में लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडजस्ट ठीक से नहीं होगा। तो ये चौथा नंबर का चौथा घाट तक हो चुका है, ये चारों सेटअप हो गया है। तो इसको मैं अभी आपस में जोड़ूंगा, जैसे ये हो गया ना, तो अभी इसको आपस में जोड़ूंगा। उधर बड़ा वाला जो जेट बीम है और इधर का जेट बीम है, वो कनेक्ट करने से नीचे का लेयर रेडी हो जाएगा। तो ऊपर का जो स्टेप वगैरह है रेक का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो नीचे का अगर ये स्टेप रेडी हो जाता है, तो ऊपर का स्टेप भी काफ़ी जल्दी रेडी हो जाता है। तो ये वाला जो है स्लैब का, ये इनसाइड में रहेगा, तो ठीक चार नंबर पोजिशन में, तो ये चार नंबर पोजिशन में लगेगा। ये नीचे वाला हिस्सा एक रेडी हो चुका है, तो इसको आप ऐसे डाल सकते हैं, इसको मैं डाल दिया। नीचे वाला हिस्सा ये कंप्लीट हो गया, तो मैं करूंगा अभी ऊपर वाला, यहाँ से इतना गैप से करूंगा। उसके बाद जो इसका कनेक्टर है, कनेक्टर लगा के मैं उसको लंबाई करूंगा। तो आप मुझे ज्वाइन करना है ये कनेक्टर, इसे कनेक्टर बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से डालना है मुझे ऊपर से, ये हो गया। लंबाई वाला सेक्शन भी ज्वाइन करूंगा, तो पहले कनेक्टर डाल लेते हैं चारों में। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, ये है, तो सीधा ऐसे डालना है।
अभी तो ये हिल रहा है, ये जब चारों एक साथ ज्वाइन हो जाएगा तो ये हिलेगा नहीं। तो ये लास्ट वाला हिस्सा मैं सेट कर रहा हूँ। तो ये हो चुका सेटअप कंप्लीट। तो ये मेरा लास्ट वाला हिस्सा था, पीछे वाला हिस्सा मैं अभी डाल देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो शॉपिंग लिंक है मैं इसका डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। और ये वीडियो में तो ये सेटअप आप देख ही चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।